पत्रकारों के साथ अभद्रता अब बर्दाश्त नहीं, अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति कार्यवाही की मांग, सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर दिखाई दे रही है। कोरोना महामारी के बाद भी अपराध जो हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका पर्दाफाश करने पर आए दिन पत्रकारों पर या तो जानलेवा हमला होते हैं या उनके साथ बड़ी अभद्रता से लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी पेश आते हैं। चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधु आज अपमानजनक स्थिति में सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों के प्रति जागरूक नहीं दिखाई दे रही, जिसका जीता जागता उदाहरण कानपुर में देखने को मिला। खबर कवरेज करने पर एक न्यूज चैनल के पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के बाद पत्रकारों में उबाल देखने को मिल रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारों ने अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना प्रसारण के नाम संबोधित ज्ञापन राजस्व अधिकारी को सौंपा है। कानपुर के बालिका संरक्षण गृह की कवरेज करने पर एक न्यूज चैनल के पत्रकार अंकित सिंह के साथ स्वरूप नगर पुलिस द्वारा मारपीट और गाली गलौज की गई। अंकित को हवालात में बंद कर दिया गया। कानपुर के स्वरूप नगर थाने में उपस्थित पुलिसकर्मी दिनेश कुमार, जितेंद्र कुमार, विपिन राम चौहान और यशवंत सिंह द्वारा पत्रकार के साथ जबरन मारपीट की गई। अंकित के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो रिकॉर्डिंग वहां उपस्थित पत्रकार शुभम शुक्ला ने की तो उसका भी मोबाइल छीन लिया गया। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले स्वरूप नगर थाना कानपुर के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाए। जो ने एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, क्या पूरा मामला है? देखिए, हमने जो ज्ञापन दिया मुख्य सचिव के लिए ज्ञापन दिया है, जो कि कल परसों एक हमारे जो पत्रकार हैं कानपुर के, जिनका नाम अंकित है, उनके संग पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया है और थाने में बुलाकर उनके संग बदतमीजी दी है, और इसीलिए हम लोग ने आज आर ओ साहब के माध्यम से मुख्य सचिव तक के लिए ज्ञापन दिया, जिससे हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और अब तक जो पत्रकारों पर अत्याचार हो रहे हैं लगातार पुलिस की तरफ से, वो आगे ना हो पाए, बस इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसीलिए आज हम लोगों ने यह ज्ञापन दिया।